अमृता और नागमणि खतरे में है और नाग रानी पूजा में लीन है। क्या करूं, इनकी पूजा में बाधा डालना ठीक नहीं है, मैं ही जाता हूं। नागमणि खतरे में है, सृष्टि खतरे में है। और डसो, जितना जी चाहे काट लो, तुम्हारे जहर का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। मैंने नागमणि पाली। नागराज, तुम? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा था मेरे होते हुए तुम ये मणि यहां से इतनी आसानी से ले जा पाओगे? मणि तो मैं अब भी लेके जाऊंगा। ये मणि इंसानों के लिए नहीं है। लाओ ये मणि मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारा ये अपराध माफ कर दूंगा। मणि तो हम नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। जिद मत करो, ये मणि हम नागों की अमानत है, पवित्र मणि है ये। लाओ ये मणि मुझे दे दो। तुम्हें क्या लगता है 31 सालों की तपस्या का फल हम ऐसे ही दे देंगे? नहीं मानोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर हम अंजाम से डरते तो ये मणि हमारे पास नहीं होती। ये मणि तो मैं किसी भी कीमत पर वापस लेकर आऊंगा, चाहे तुम्हारे जीते जी या तुम्हारी मौत के बाद।
हम जान दे देंगे लेकिन मणि नहीं। बेवकूफ, तो अपनी जान दे दे। नागराज, तुम्हारा जहर मुझ पर असर नहीं करेगा। यह है वो तावीज जिसकी वजह से कोई भी नाग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा जहर भले ही तुम पर असर ना करे, पर मैं ये जानता हूं एक इंसान के रूप में अपनी शक्ति से मैं तुमसे ये मणि हासिल करके रहूंगा। भगवान, हमने हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो क्या हुआ? आज हमारा 16वां सोमवार था, टूट गया। हजारों औरतें हैं जो 16 सोमवार का व्रत रखती है, लेकिन हम 5 सालों से ये व्रत कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? बस यूं समझ लीजिए, कोई ना कोई अड़चन जरूर आ जाती है। ये विधि का विधान है, भोलेनाथ की इच्छा के बिना कोई भी उनका ये व्रत पूरा नहीं कर सकता। आप तो जानते हैं हम ये व्रत अपने बच्चों के लिए रख रहे हैं, अगर पूरा नहीं हो पाया तो अनर्थ हो जाएगा। ईश्वर में भरोसा रखो त्रिवेणी, सब ठीक हो जाएगा। स्वामी जी, वक्त रेत की तरह हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है और हम कोई उपाय ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वर के फैसले को बदलने के लिए ईश्वर को मनाना इतना आसान नहीं है त्रिवेणी। दुखों से हम नहीं डरते स्वामी जी, पर जो होना है वो दुख नहीं सदमा है, और ये सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। त्रिवेणी, कर्म करना इंसान का धर्म है और फल देना ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर भक्तों की भावनाओं को समझते हैं। तो इन्हें हमारी भक्ति को भी समझना होगा। हमारे परिवार की खुशियों पर से बदकिस्मती के काले साए हटाने होंगे। दया करना प्रभु, दया करना।
किस्मत हमारा साथ क्यों नहीं दे रही? मणि हमारे हाथ में आकर निकल गई, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे यार। नागराज, नागराज, अमृता, उठो, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बेटा? माँ, वो मनी लिए क्या? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैं मनी की रक्षा नहीं कर पाई माँ, नहीं कर पाई। किसने चुराई मनी? वो एक इंसान था माँ। तुम्हारे पिताजी पता नहीं पूजा अधूरी छोड़कर कहाँ चले गए। पिताजी जरूर उस इंसान के पीछे गए होंगे। आप देख लेना माँ, पिताजी वो मनी लेकर ही वापस आएंगे। पता नहीं अमृत, आज बहुत अपशगुन हो रहा है, मंदिर के दिए बुझ गए, हमारी शक्तिवर्धक पूजा अधूरी रह गई, और अब पवित्र मणि का चोरी हो जाना, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं नागराज किस हालत में होंगे। माँ, अगर आप इतनी परेशान हो रही हैं, तो आप पिताजी को ढूंढने जाइए ना। लेकिन तुम्हें ऐसा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप परेशान मत होइए, मेरे लिए चिंता मत कीजिए, आप पिताजी के पास जाइए, हो सकता है कि पिताजी को आपकी मदद की जरूरत पड़े, आप उनके पास जाइए माँ, मेरी चिंता मत कीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, मैं अभी जाती हूँ। टीकाराम, आग कम हो रही है, जाकर थोड़ी लकड़ियां ले आओ। खत्म, लकड़ी खत्म। आपने ज्यादा पी ली है, इनकी खबर तो हम बाद में लेते हैं, पहले हम लकड़ियां लेकर आते हैं। शराब बहुत बेकार चीज है, हमेशा नुकसान करवाती है, मैं तुझे छोड़ दूंगा कल से। आपकी यह हालत कैसे हो गई? एक लालची इंसान ने मेरी हालत कर दी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ, रेस्ट हाउस में फर्स्ट एड बॉक्स है, चलिए चलिए हमारे साथ। मेरा वक्त खत्म हो गया, इसलिए मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूं। ये नागमणि है। नागमणि? हम मैं नागराज हूं। इच्छा थारी सांप, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं जानता हूं तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। ये मणि तुम किसी गलत इंसान के हाथ मत लगने देना, वरना वो इसकी शक्तियों से पूरी सृष्टि को बर्बाद कर देगा।
नागमणि में बहुत शक्ति है, इतनी शक्ति कि इसके छूने पर से मुर्दा भी जिंदा हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप इसका इस्तेमाल करके ठीक क्यों नहीं हो जाते? नहीं संभालिए, ये सिर्फ अमावस की रात को संभव है। अमावस की काली रोशनी में इस मणि की शक्तियां बढ़ जाती है, उसके बाद इसे किसी मूर्ति को भी छुओ तो उसमें जान आ जाती है। मैं भी इसकी मदद से वापस जिंदा होऊंगा, लेकिन कब तक? कब तक तुम मेरे शरीर को चलने मत देना। तक्षक वन में पूर्व दिशा में शिव मंदिर है, मेरे शरीर को वहां रख देना। नागरानी ढूंढ ले कि मुझसे वादा करो कि मणि तुम संभाल कर रखोगे। तुम इस मणि की रक्षा करोगे, सही समय पे इसका सही हकदार तुम्हारे पास आकर ये मणि ले जाएगा। ये हम नागों की अमानत है, वादा करो कि इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे। मैं वादा करता हूं। और एक बात, इस नागमणि को अमावस की रात की काली रोशनी में रखना, इसकी शक्तियां और बढ़ जाएंगी। मैंने तुम पे भरोसा किया है, मेरा भरोसा मत तोड़ना। नहीं, पति की मौत का बदला तुम लोगों से लेकर ही रहूंगी। मैं अपने पति की मौत का बदला तुम लोगों से लेकर ही रहूंगी।